हेलो स्टूडेंट्स, आई अरुण कुमार पाठक एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ सीडीएस। लेट अस बिगिन। हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करेक्शन एरर से। यहाँ जो है 51 आपका क्वेश्चन नंबर, उसमें है He had been doing the job of a physician during the 1990s. No error. तो इसमें क्या है कि ये आपका सी पार्ट जो है ये गलत है। During the 1990 नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए जो है आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सीस का यूज करेंगे, क्योंकि ये पार्ट गलत है। ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफी देन टी। नो एरर। तो आप जानते हैं कि प्रेफर के साथ प्रीपोजिशन टू यूज होता है, तो यहां ऑप्शन सी गलत है, कॉफी टू टी होना चाहिए। अब हम 53 देखें, तो 53 में जो सवाल है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। नो एरर। तो इसमें जो है सी पार्ट गलत है, यहां जो है आर नहीं इज होगा। 54 अ स्पीसीज इज कंसीडर्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। तो ये जो है सही है। इसके बाद 55 आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। नो एरर। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि बी पार्ट गलत है, क्योंकि दो निगेटिव नहीं यूज होंगे। बी पार्ट में आप देख रहे हैं दो नेगेटिव वर्ड है, नॉट और नेवर। इसमें जो है आपको ये पार्ट गलत है, क्योंकि डबल निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बना देता है, इसलिए सेंटेंस का ये पार्ट गलत है बी। लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। तो यहां जो है बी पार्ट गलत है, मोड्स की जगह मोड होगा। इसके बाद 57 द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट गलत है, क्योंकि यहां पर हैज होना चाहिए, द मैटर हैज बीन रिजॉल्व। तो इसमें पार्ट ए जो है वो गलत है। इसके बाद केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। ये करेक्ट है। इसके बाद 58 59 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। नो एरर। इसमें जो है आपका सी पार्ट गलत है, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन जो भी आएगा वो प्लूरल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 इट इज स्टिल ट्रू दैट इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। तो क्वेश्चन का ये डी पार्ट सही है, और ये
आपका करेक्शन एरर का जो है ये पार्ट है, और जो है आगे हम लोग सिनोनिम एंटोनिम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सिनोनिम को डिस्कस करेंगे। हैविंग गॉट एक्साइटेड सी ओपेंड अप द पेंडोरा बॉक्स विच लेड टू लॉट ऑफ कॉमेशन। तो कॉमेशन मतलब होता है कंफ्यूज साउंड, जो आप सही से सुन नहीं पाते हैं। इसमें अप्रूर पीस साउंड और फ्यूरियस दिया हुआ है। इस चार ऑप्शन में अप्रूर करेक्ट है। दूसरा जो है क्वेश्चन है, द इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम इज दैट इट वुड लीड टू एनी मोर प्रॉब्लम। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑनवर्ड है, डिफिकल्ट है, हेलो है और इनबिल्ट है। इनबिल्ट इज द राइट आंसर टू सिनोनिम, राइट सिनोनिम फॉर इनहेरेंट। नेक्स्ट, ऑफिसर वॉज रिप्रीमेंडेड बाय कोर्ट फॉर डीलिंग द केस। तो रिप्रीमेंड मतलब होता है डांटना किसी को। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, एडमोनिश्ड, एप्रिशिएटेड, प्रेज और डिसलाइक, तो इसमें एडमोनिश होगा, एडमोनिश। इसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन नंबर है कि सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपिचुअल। तो परपिचुअल का मतलब होता है स्थाई, और इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, टेम्पररी, पावरफुल, एवरलास्टिंग और परसुएसिव। तो इसमें आंसर जो है सिनोनिम परपिचुअल का एवरलास्टिंग होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वंस एक्शन एग्जाम्पलीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यू। तो एग्जाम्पलीफाई का जो है सिनोनिम डिमॉन्स्ट्रेट होगा। तो इसे चार दिए गए, डिवाइस, सिंपेथाइज, आस्क फॉर एंड डिमॉन्स्ट्रेट। एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, बताना कोई चीज, तो प्रदर्शित करना। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट इसका सही आंसर है। द क्रक्स ऑफ द इशू वॉज दैट देयर वॉज नो एविडेंस टू प्रूव द एक्यूज गिल्टी ऑफ द एक्ट। तो इसमें क्रक्स अंडरलाइन है, क्रक्स जो है मेन बातें जो होती है, कोर बातें। इसमें कोर जो सिनोनिम है ये इसके लिए करेक्ट है। सिक्स्थ, सेवंथ, सेवंथ में जो है ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज और हर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन द कंटेस्ट एंड द इनपुट्स ऑफ लर्निंग। तो कॉम्पिटेंस का सिनोनिम जो होगा, इसमें चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, कैपेबिलिटी, थिंकिंग, नॉलेज एंड आइडिया। इसमें क्या होगा, कैपेबिलिटी जो है वो राइट ऑप्शन है, सिनोनिम है फॉर कॉम्पिटेंस। ही अपीयर्स टू बी वेरी हॉटी बट ही इज हम्बल हम्बल पर्सन। तो ये जो है हॉटी मतलब होता है अहंकारी, और इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, टफ, मॉडेस्ट, एरोगेंट, नॉलेजेबल। तो इसमें आपका एरोगेंट इज द राइट ऑप्शन फॉर हॉटी। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस का सिनोनिम बताना है, इंडस्ट्रियस मतलब लेबोरियस, जो मेहनत करने वाला है, और इसका सही आंसर डिलीजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप्स अनहैप्पी। इंडिग्नेंट मतलब होता है नाराज, तो
यहां जो है रिजेंटफुल कंजीनियल अनरूली और सपोर्टिंग दिया हुआ है चार ऑप्शंस सिनोनिम के लिए, उसमें आपका रिजेंटफुल जो है वो सही आंसर है, सिनोनिम है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 81 पर देखेंगे और 81 का एंटोनिम्स देखना है, एंटोनिम्स हम लोग करेंगे। His argument are not valid. People consider it bombastic. तो bombastic का synonym जो है verbose होता है, बड़ा चढ़ा के कोई चीज कहना होता है। तो इसका सही ऑप्शन है straight forward. The decision was absurd for many of the members of the team. तो absurd मतलब बेतुका, मीनिंगलेस। तो इसका जो चार ऑप्शन दिया है बाइजरी, मीनिंगलेस, रीजनेबल एंड थॉटफुल, तो इसका एब्सर्ड का जो है एंटोनिम्स रीजनेबल होगा। इसके बाद जो है रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। तो डिसीज्ड मतलब होता है कि जो सरवाइव नहीं कर रहा है, जिंदा नहीं है। तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं आपको, एंटोनिम्स ढूंढना है। इंजर्ड है, अलाइव है, डेड है, सरवाइव्ड है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, सरवाइव्ड होगा। इसके बाद एट लास्ट सी वाज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड एमिकेबली। सोलेस मतलब होता है कि किसी के फीलिंग को शांत करना, संत्वना देना। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, कंफर्ट, रिलीज, पनिशमेंट और एग्रेवेशन, तो सोलेस का एंटोनिम जो होगा वह एग्रेवेशन सही ऑप्शन है। इसके बाद 85 देखें, 21st century has turned out to be a century of problems. Contrary to the thinking that it would be a better time, contrary का जो है आपका similar हो जाएगा, first option सही है, similar, different, divergent and good faith. इसके बाद question number 86 देखें, द पोएट सेड दैट पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो यहां जो है आपका स्पॉन्टेनियस का एंटोनिम डिलीवरेट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एसर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। तो यहां जो है एसर्टिंग मतलब दृढ़तापूर्वक कोई बात कहना। तो यहां चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डिक्लेयरिंग, सपोर्टिंग, डिनाइंग और प्रोपगेटिंग। तो इसमें एसर्टिंग का एंटोनिम डिनाइंग होगा, सी ऑप्शन सही है। ही हैज बीन एक्सोनरेटेड एंड ही टेंडर्ड एन एपोलॉजी। तो यहां आप क्या देखते हैं कि एक्सोनरेटेड मतलब होता है माफ कर देना, क्षमा दे देना। इसका एंटोनिम करना है, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑनर्ड, पार्डन, कन्विक्टेड, फेलिसिटेटेड। तो इसमें सी ऑप्शन कन्विक्टेड जो है वो सही है। पर्सुएशन इज, अब 89 देखें, पर्सुएशन इज एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज ए टीम। पर्सुएशन का एंटोनिम ढूंढना है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, डिसलाइकिंग दिया है, डिस्करेजिंग दिया है, कन्विंसिंग दिया है, लेटर दिया है। तो पर्सुएशन का अपोजिट जो होगा वो डिस्करेजिंग होगा।
इसके बाद एवरी हैबिट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन विच एवरी हैबिटेट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन विच डिफाइंस द इकोसिस्टम। अब डिस्टिंक्टिव जो है ये क्या है, विशिष्ट स्पेशल, इसका जो है चार ऑप्शन दिया है, इसमें एंटोनिम ढूंढना है, यूनिक कॉमन स्पेशल और अनफेमिलियर। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन कॉमन इज करेक्ट।